ये मीठी और सुरीली आवाजें खैबर पख्तूनख्वा के माइनॉरिटीज के सिंगर्स की आवाजें हैं। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में माइनॉरिटी की इन सिंगर्स को गुलकारी में अपना टैलेंट सामने लाने और अवाम में मकबूल होने का मौका दिया गया। मेरी आवाज सुनो, वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज के इस तकरीब में सिंगर्स ने भरपूर अंदाज से गीत गाए और मौजूद लोगों ने इनकी सुरीली आवाजों को सराहते हुए तालियों की सूरत में खूब दाद दी। पेशावर की नश्तर हाल वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज के इस सिंगिंग कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में हिंदू, सिख और ईसाई मेल फीमेल सिंगर ने हिस्सा लिया। इस सिंगिंग कंपटीशन और म्यूजिकल इवनिंग के अहतमाम करने वाले सुभाष चंद्र ने टेक टीवी और साथी मीडिया को बताया, ये एक सिंगिंग कंपटीशन है जो कि जिसके अंदर पेशावर, मर्दान, कोहाट, मुशेरा, हंगू, स्वात मुख्तलिफ सिटी से लोगों ने आए, लड़के लड़कियाँ इसके अंदर आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 3 महीने पहले हमने ऑडिशन से आगाज़ किया इसका। तकरीबन इसके अंदर 100 कंटेस्टेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आए, उनके हमने ऑडिशंस किए। ऑडिशंस करने के बाद फिर हमने उसके बाद उसका एक सेमीफाइनल किया। ऑडिशन से हमने सॉर्ट आउट करके हमने 20 कंटेस्टेंट हमने निकाले सेमीफाइनल के लिए, और सेमीफाइनल में जब हमने इसको दोबारा हमने एक सेमीफाइनल का ऑडिशन किया तो फिर उसके बाद अब इस वक्त हमारे पास ग्रैंड फिनाले के अंदर हमारे पास 12 कंटेस्टेंट जो हैं वो मौजूद हैं। सुभाष चंद्र ने इस सिंगिंग कंपटीशन के मकसद को भी वाजह किया और बताया कि पाकिस्तानी पुरअमन है और अमन से मोहब्बत करते हैं। ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के जो लोग हैं, जिनका मकसद है, जिनका पैगाम है पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही पैगाम आगे देना है कि हम सब मिल के रहना चाहते हैं, हम सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, पीस का मैसेज आगे देना चाहते हैं, पीस एंड हारमोनी का मैसेज आगे देना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़ के इस पुरवकार तकरीब में हिस्सा लेने वाले मेल फीमेल सिंगर्स ने टेक टीवी और साथी मीडिया को बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर इनको अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाने का सुनहरी मौका मिला है और आज इनका गुलकारी करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। सुनैना ने पहले बात करते हुए बताया, बचपन से ही जो है मुझे सिंगिंग का शौक था। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमारे चर्च में, मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारे चर्च में एज अ क्वायर मेंबर मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ और उसी वजह से जो है इस चीज़ का जो है मुझे ज़्यादा शौक हुआ। और फिर उसके बाद जब जैसे हमें पता चला कि हमें KPK में वॉइस ऑफ माइनॉरिटी की वजह से एक जो है हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने जल्द से जल्द अप्लाई किया और उसके बाद जो सफ़र मेरा शुरू हुआ यहाँ तक मेरा बहुत अच्छा सफ़र जो है शुरू हुआ। ऑडिशन किए मैंने, थैंक टू गॉड के हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स मेरे साथ हैं जो बहुत अच्छे से गाते हैं और अपने लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसी आवाज़ दी। ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सिंगर अजीम ने बताया कि वो बचपन से चर्च में गाता आ रहा है और आज जब ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी गुलकारी के जौहर दिखाने चला आया है। हम बचपन से चर्चेस वगैरह में गाते हैं, वर्शिप करते हैं, मैं खुद भी मतलब मुझे गाने का शौक बचपन से था लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, बट ये कि अभी ये प्लेटफॉर्म मिला है, पूरी कोशिश करेंगे कि अपने आप को मनवाएँ और ये पाकिस्तानी होने के नाते अपना जैसे हमारे अच्छे नामवर क्रिश्चियन सिंगर थे या जो भी ऐसी हस्तियाँ हैं
उन जैसा हम बने और अपने कम्युनिटी का, अपने क्रिश्चियनिटी का नाम रोशन करें, खासकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हिडन टैलेंट को डिस्कवर करना इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद होता है। शालिमी ने मजीद बताया कि गुलकारी के मैदान में आकर ये बताना था कि पाकिस्तान में ख्वातीन भी मर्द के शाना बशाना गुलकारी के मैदान में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम, क्योंकि ऐसे हम जैसे बहुत से हिडन टैलेंट वाले जो लोग होते हैं उनको सामने आने का मौका मिलता है, और जिस तरह ये हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसी तरह वो और भी बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बीइंग ए फीमेल, चूँकि हमें घरों से निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकते हैं और सामने आ सकते हैं। हम भी बता सकते हैं कि मर्द के शाना बशाना हम चलते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी तरह और भी जो लड़के हैं उन सबको आगे आने का मौका दिया जाए, ताकि वो भी अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी अंदर खूबियाँ हैं, उनको जाहिर कर सकें लोगों के सामने। मीशा मैथफ ने बताया कि वो बहुत खुश है और सुनने वाले इनको पसंद कर रहे हैं। प्रोग्राम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये प्रोग्राम जो हमें प्लेटफॉर्म ये जो मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो हमें पसंद अच्छा फील कर रही हूँ। और मेरे जो फादर हैं वो सिंगर हैं, तो उन्हें देख देख कर मुझे ये शौक पैदा हुआ और मैं यहाँ तक आई, और उम्मीद है कि जहाँ मेरी आवाज सुनो वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज की इस म्यूजिकल शाम में सिंगर्स खुश थे और एक्साइटेड नजर आ रहे थे, वहाँ खुर्रमेश उदास थे और कुछ नाराजगी का इजहार किया। टेक टीवी और साथी मीडिया के साथ पिछले वक्त की कुछ तल्ख बातें शेयर करते हुए यश ने बताया, इससे पहले मैं काफ़ी चैनल्स हैं, उन चैनल्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनके ऑडिशंस के लिए गया हूँ, और जस्ट सिर्फ नॉन मुस्लिम होने की वजह से मुझे उन्होंने रिजेक्ट किया। मतलब ऐसा था कि लास्ट टाइम जब मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट के साइन करवाना चाह रहे थे, तो जब उन्हें पता चला कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी आवाज़ सुनो वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़ की इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन की तकरीब में वज़ीरे आज़म पाकिस्तान के मुशीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मकाम ने बहसियत खुसूसी मेहमान के शिरकत की और इस म्यूजिकल शाम से खूब महसूस हुए। तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और माइनॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आपने लिखा हुआ है वॉइस ऑफ माइनॉरिटी, पाकिस्तान होना चाहिए, माशाल्लाह वॉइस ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ आपकी वॉइस नहीं है मगर वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, हम सारे एक ही पाकिस्तानी है, और ज़रूर आपका हमसे बढ़कर ज़्यादा एहतराम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। आपने जो पाकिस्तान के लिए किया है और या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ टैलेंट दे रहे हैं, तो मैं तो हर वक्त बाजार देखता हूँ कि माइनॉरिटी का नफ़ज़ होना ही नहीं चाहिए, हम एक ही पाकिस्तानी है और एक जैसे पाकिस्तानी और एक जैसे पाकिस्तानी होने चाहिए। वक्त था फाइनल रिजल्ट्स का, लोगों का अव्वल नंबर पर आने वाले गुलकार का नाम जानने के लिए बिताबियाँ उरूज पर थी। इस म्यूजिकल मुकाबले में अमर तीसरे, खुर्रम दूसरे और फैसल पहली पोजीशन पर आए। फैसल ने शुक्र का सजदा अदा करने के बाद ग्रुप फोटोज बनाई।
नहीं सकता हूँ, बहुत मेहनत और प्रयास की थी, क्या बताऊँ खुशी की कोई इंतहा नहीं। इस तरह की म्यूजिकल प्रोग्राम से अगर एक तरफ पेशावर की फिजा सुरीली और खुशगवार होती है तो दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को भी दुनिया को ये पैगाम देने में आसानी मिलती है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और अमन से मोहब्बत रखने वाला मुल्क है और इसमें मुस्लिम, सिख, हिंदू और ईसाई सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरी आवाज सुनो वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज के इस म्यूजिकल तकरीब में, जहाँ गीत, सुर और आवाज के मोती बखेरे गए, तो वहाँ ये पैगाम दिया गया कि हम एक हैं और हम प्यार मोहब्बत और अमन से रहना चाहते हैं। हुदूद जान, टेक टीवी, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा। नंबर 1 मल्टीकल्चरल चैनल, दिस इज टैग टीवी।